लकड़गंज स्थित घास बाजार में चल रहे बिग बॉस सलून में छापा मार कर क्राइम ब्रांच के SSB ने देह व्यापार का अड्डा पकड़ा है। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार भी किया है। उसके चंगुल से प्रतिस्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रही युवती को छुड़ाया गया है। आरोपी समीर कौड़ू श्रीवास उम्र 34 साल विनोबा भावे नगर यशोधरा नगर है। समीर लंबे वक्त से सलून चलाता है। पहले महल में उसका सलून था। लॉकडाउन में तंगी के चलते उसके बंद होने के बाद उसने घास बाजार में सलून बिग बॉस आरंभ किया। समीर भरोसेमंद ग्राहकों को देह व्यापार के लिए युवती उपलब्ध कराता था। इसकी भनक लगने पर SSB ने गुरुवार को डमी ग्राहक भेजकर समीर से 2000 रुपये में युवती का सौदा किया। समीर ने पीड़ित 27 वर्षीय युवती को साथ ले आया। डमी ग्राहक से रुपए लेते ही पुलिस ने दबिश देकर समीर को दबोच लिया। पीड़ित युवती स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसने तंगी के चलते देह व्यापार किया जाना बताया है। उसके पिता बीमार है, माँ महिलाओं की मालिश करती है। युवती का कहना है कि पैसे कमाने के लिए वह समीर के झांसे में आ गई। उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। काम की खोज में उसकी समीर से पहचान हुई। समीर के पास पीड़ित के अलावा कई भी युवतियां हैं। समीर पहली दफा पुलिस के हाथ लगा है। समीर से 2000 रुपए तथा मोबाइल बरामद किए गए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर। घास बाजार इथे एक सलून आहे द बिग बॉस नावाचं, ते युनिसेक्स सलून आहे। तर तिथे मसाजच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय चालतो आणि त्याच्याकरता मुली ते उपलब्ध करून देतात। तर त्यान्वये आम्ही कारवाई करण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण ट्रॅप अरेंज केला आणि त्यान्वये तिथे कारवाई केली। तर आम्हाला एक पीडित मुलगी मिळाली आणि एक आरोपी समीर शिवास म्हणून ज्याचं सलून आहे त्याला ताब्यात घेतलं। ही खूप महत्त्वाची बाब आहे। मागील काही महिन्यापासून आम्ही ज्या रेड करतो आहे, ज्या धाडी टाकतो आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळी असं लक्षात येत आहे की तरुण मुली थोड्याशा पैशाकरता हे काम करत आहेत किंवा या व्यवसायामध्ये त्या अडकत आहेत। तर मला असं वाटतं कुठेतरी आईवडिलांनी या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे की आपल्या मुलींची किंवा मुलांची काय गरज आहे आणि त्या कुठे काय चुकीचं तर करत नाही आहे, त्या संदर्भात त्यांचं सतत प्रबोधन करायला पाहिजे। आणि मुलामुलींनी पण हे बघायला पाहिजे की फक्त थोड्याशा पैशाकरता कुठलं तरी चुकीचं पाऊल उचललं हे संपूर्ण जीवनाकरता त्यांच्याकरता घातक असू शकतं। तर कुठलंही काम करतेवेळी त्यांनी थोडासा विचार करायला पाहिजे आणि आईवडिलांनी मुख्यतः या गोष्टींकडे थोडंसं अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे।